दोस्तों, आज एबीएन न्यूज 24 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आपको हम बताएंगे कि यूपी में आज विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो रहे हैं। शुरुआती रुझानों में बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया है, वही समाजवादी पार्टी बहुत पीछे है। चुनाव आयोग के रुझानों के अनुसार जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की टिकट पर शिवपाल सिंह यादव पीछे चल रहे हैं। वही अभी शुरुआती रुझानों में भाजपा 164, समाजवादी पार्टी 76 सीट, अपना दल 6 और अन्य 23 सीटों पर आगे हैं। वाराणसी की दक्षिणी सीट पर समाजवादी पार्टी के किशन दीक्षित आगे चल रहे हैं। आपको हम पूरा दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। आपको बता दें कि वाराणसी में पट्टी सीट पर समाजवादी पार्टी के राम सिंह पटेल 361 वोटों से आगे चल रहे हैं। कुंडा से राजा भैया 961 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं लखनऊ की चर्चा सीटों में से एक सरोजनी नगर पर सपा के अभिषेक मिश्रा आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज की दक्षिणी सीट से नंद कुमार आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 8वीं विधानसभा की गठन के लिए मतगणना जारी है। आज के नतीजों के बाद यह साफ हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी लगातार दूसरी बार अपनी सरकार बनाकर कीर्तिमान रचती है या सपा 5 साल बाद फिर सत्ता में लौटती है। हालांकि शुरुआती रुझानों में बीजेपी के बहुमत हासिल कर दिया है। सुबह 9:44 पर बीजेपी ने बहुमत के लिए 202 का आंकड़ा पार कर लिया है। वही समाजवादी पार्टी का आंकड़ा भी 100 पार पहुंच गया है। बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी काफी पीछे चल रही है। यूपी में इन दोनों पार्टी का आंकड़ा सिंगल डिजिट में है। दोनों ही पार्टी की सियासत खबरें में नजर आ रही है। हम आपको पूरा अपडेट दिखाएंगे, बने रहिए एबीएन न्यूज 24 के साथ। नमस्कार।